सेंचुरी पेपर मिल के संविदा कर्मियों ने मिल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संविदा कर्मचारियों ने आत्मदाह की भी बात कही। इस दौरान पूर्व विधायक नवीन दुमका, इंटक के नेता एन के कपिल, देवभूमि व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर सहित कई ग्राम प्रधानों ने मौके पर पहुंचकर संविदा कर्मियों को समझाया, जिसके बाद आक्रोशित आंदोलनकारियों ने अपना आत्मदाह का निर्णय वापस ले लिया। वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक नवीन दुमका ने कहा कि मिल प्रबंधन क्षेत्र के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि मामले में मिल प्रबंधन और जिला अधिकारी सहित प्रशासन को भी पत्र भेजा गया है और इस मामले से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी अवगत करवाया जाएगा। ये कंपनी गुंडागर्दी में उतर आई है, देखो सीधी सीधी बात है, और इसके लिए हमने घोषणा कर दिया कि हम यहाँ जन आंदोलन शुरू करेंगे। ये फैक्ट्री हमारी है, इस मैनेजर की नहीं है जो यहाँ पर बैठा रखा है कश्मीर से ला करके। इसके लिए हमने जंगल में से लकड़ी दे रखी है, हमने इसके लिए बहुत कुर्बानी दी है इसको करने के लिए। तो ये हमारी फैक्ट्री है, इसको बचाने के लिए ऐसे मैनेजमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए जन आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर चुके हैं। और जल्दी आगे समय दिया था उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि पल बैंक पेपर हमारी बातों को रखे, लेकिन हमारी अनसुनी करी गई। एक हफ्ता हो गया आज पूरा, लेकिन किसी ने हमारी सूझ भी नहीं ली है मिल प्रशासन द्वारा। तो आज हमारा निर्णय था कि आत्मघाती कदम उठाएंगे, हम मजबूर हैं कि उस कदम को उठाएं, क्योंकि हमारी अनसुनी की जा रही है। 10 साल या उसके आसपास से जो लोग अंदर काम कर रहे हैं वो काम करते करते अधिक स्किल्ड हो गए होंगे और सेंचुरी के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। अंदर समायोजन हो रहा है, उम्र के कारण और ट्रेड के कारण उनको उस समायोजन में शामिल नहीं किया गया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। साथ ही साथ मैंने लिखित में भी एक पत्र सेंचुरी प्रबंधन को, जिलाधिकारी को और प्रशासन को, सभी विंग को भेजा है कि पिछला जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये तो लिखा है कि अंदर से प्रमोशन का समायोजन होगा, लेकिन उम्र की और ट्रेड की उसमें कहीं शर्त लगाई नहीं गई है, तो इसलिए उसकी आड़ एक्टिव प्रबंधन नहीं ले सकता।